मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच मदद का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में खरगोन जिले के भगवानपुरा में ग्रामीणों ने जन सहयोग की मदद से सरकारी अस्पताल को 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की गई, ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। विगत दिनों भगवानपुरा, धुलकोट और काबरी में तहसीलदार मनोज चौहान और BMO डॉक्टर चेतन कलमे ने ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से राशि जुटाई थी। अब ऑक्सीजन मशीनें आने से क्षेत्र के गरीब वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं BMO ने कहा कि शेष बची हुई राशि का मेडिसिन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जाएगा। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुरा में जन सहयोग के माध्यम से जो राशि एकत्रित की गई थी और उसमें से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऑर्डर दिए गए थे, 4 मशीनें आज हमको उपलब्ध हुई हैं। और ये मशीनें हमारे संस्था में आने से सबसे बड़ा एक फायदा हमको ये है कि अब हर किसी जरूरतमंद को जिसको ऑक्सीजन लग रही होगी उसको हम लोग ऑक्सीजन दे पाएंगे। और जो सिलेंडर की व्यवस्था पहले थी कि सिलेंडर खत्म होने पर भरवाने जाना और ये करना वो करना, जो टाइम अपना कंज्यूम होता था वो टाइम बच पाएगा और इससे अपने को कंटिन्यू फ्लो मिलता रहेगा। और एक मशीन को 16 से 17 घंटे कंटिन्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा 1 घंटे का विराम देकर के और भी उसको जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। भगवानपुरा से राधेश्याम पाटीदार की रिपोर्ट।